खाना खा लें डैड, ठंडा हो जाएगा। हाँ बेटा, अभी खाता हूँ। शफक बेटा, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो ना। मैं सोचता हूँ अगर तुम ना हो तो मेरी जिंदगी तो अधूरी हो जाए। शफक बिगिया तो अपने घर पे है सरकार। हाँ हाँ मैं हमेशा भूल जाता हूँ ये बेटियां भी अजीब होती हैं। रुखसत ना हो तो दुखी करती है, चली जाए तो उदास। ये तो दुनिया का दस्तूर है सरकार, आप खाना तो शुरू करें। नहीं ब्रास, दिल नहीं कर रहा, बिटिया याद आ रही है। तो आप उससे मिल आए। ये वक्त मुनासिब नहीं है। मिल आए तो अच्छा है सरकार, फोन कर लीजिए, दिल बहल जाएगा, वरना आपकी रात जागते हुए गुजर जाएगी सारी। मुराद तुम जाओ प्लीज। हेलो जी डैड, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करूं। अभी मैं डिनर टेबल पे बैठी हूँ ना, शाहान के साथ खाना खा रही हूँ। थोड़ी देर में। ओके बाय। शाहान प्लीज डोंट से एनीथिंग, मैं ठीक हूँ। मेरी तरफ देखो शफक, I'm sorry। मैं कोई शिकायत तो नहीं की। हाँ तुमने शिकायत नहीं की, लेकिन तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं वो हर बात का एहतजाज कर रहे हैं। शिकवा तो वहां होता है जहां जुम की इद्दा, जहां फैसले साफ दिखाई दे रहे हैं, वहां क्या शिकवा? तो सिर्फ बर्दाश्त ही किया जा सकता है ना। शायद मेरे आंसुओं में बर्दाश्त नहीं है इसलिए गिर जाते हैं। मैं उल्फत की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं शफक। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा साथ तुम्हें दुख में मुब्तला कर देगा, तुम्हें मेरी वजह से कोई तकलीफ होगी। मैं बहुत बुरा हूं, बहुत बुरा हूं ना शफक। अरे होते तो मैं आपके साथ नहीं होती। तो फिर मेरी सजा भी खत्म कर दो। सबसे शक्ति भूख लगी है, और अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं नहीं खाऊंगा, और अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। यही चाहता था क्या? तुम्हारे यहां से बहुत मिस कर रहा था। अब चले, वाकई में बहुत भूख लगी। उल्फत बीबी, इतनी देर में तो बंदा सारे मोहल्ले को मना के ले आता, इनसे एक शफक बीबी नहीं मनाई जा रही। मुझे ना दाल में कुछ काला लग रहा है। नूरी, हाथी बाबा ने खाना खत्म कर लिया, आप इन्हें ले जाओ। सुबह स्कूल भी जाना है। गुड नाइट मामा।
मैं जानता था जब तक हम नहीं आएंगे तुम भी खाना नहीं शुरू करोगी। अच्छा फिर मैंने तो खाना खा लिया। तुम एक काम करो, तुम शफक को खाना खिलाओ। बल्कि ऐसा क्यों नहीं करते कि अपने हाथों से निवाले बना बना के खिलाओ। वो खुद नहीं खा सकती ना, हाँ छोटी है अभी, अच्छा भी लगेगा ना, मोहब्बत बढ़ती है। हाँ क्यूट ना, फोटो फ्रेम, नाइस नाइस। क्या हुआ, इस तरह क्यों देख रहे हो? हाँ ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। और बाय द वे शफक, वो क्या है ना कि हर घर के कुछ उसूल होते हैं, प्रिंसिपल। उसी तरह से मैंने भी अपने घर के कुछ प्रिंसिपल्स बनाए। अब वो ये है कि अगर कोई शख्स टाइम से खाने पे ना आए तो बेहतर है कि वो अपने कमरे में ही ऑर्डर कर ले। गॉट इट? नूरी, नूरी जी, ने खाना खाया? जी गुड। फ्री होके जल्दी आ जाना, मैं इंतजार कर रही हूँ। तो क्या है ना कि मैं जल्दी सो जाती, जिम भी जाना। शफक प्लीज खाना शुरू करो। खाओ ना।